बाप के ऊपर जिम्मेदारी आती है अपने बेटे को शादी कराने की, तो अगर बाप नहीं है तो एक बेटा है जो कि अपनी बहनों की शादी कराएगा, और कितनी मेहनत करता है उसकी, ये क्या क्या अपना दुकान बेच देगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। रक्षाबंधन का ट्रेलर आज आ चुका है। जी हाँ, इसका प्रीमियर कल से जी स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर लगा दिया गया था, और 1-1.5 दिन के बाद इस ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया है। इस पूरे ट्रेलर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इस इंट्रो के बाद। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit. ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया है। इस तरह के रोल में हमें अक्षय कुमार काफी ज्यादा सूटेबल लगते हैं, जैसे कि भाई बहन वाला कैरेक्टर हो गया, फैमिली वाले कैरेक्टर में हमें अक्षय कुमार काफी अच्छा सूट करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेलर में जितना हमें समझ आया उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें एक भूमि पाडनेकर है जो कि अक्षय कुमार से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है, लेकिन अक्षय कुमार तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक उनकी चारों बहनों की शादी ना हो जाए, और चारों बहनों की शादी वो करा नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा वो कमाते नहीं है। वो एक ठेला, एक दुकान खोलते हैं जिसमें कि वो भविष्य बताते हैं कि बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, इस तरह की दुकान चलाते हैं, तो उतना पैसा वो नहीं दे सकते, इतनी जल्दी चारों बहनों की शादी नहीं करा सकते। और उसी के सामने जो भूमि पाडनेकर जो कि अक्षय कुमार से प्यार करती है, उनके पिताजी उन्हें 6 महीने का टाइम देते हैं कि 6 महीने में कुछ कर लो, मैं बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, अगर नहीं कर सकते तो मैं उसकी शादी कहीं और करा दूंगा। और उसी के बाद हमें इतना तो पता है कि 6 महीने में कुछ ना कुछ फिल्म का एंड तो अच्छा ही होगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो अक्षय कुमार कर लेंगे। इस फिल्म में हमें यही दिखाया जाएगा कि एक भाई अपनी बहनों की शादी कराने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। जब एक बाप के ऊपर जिम्मेदारी आती है अपने बेटे को शादी कराने की, तो अगर बाप नहीं है तो एक बेटा है जो कि अपनी बहनों की शादी कराएगा, और कितनी मेहनत करता है उसकी, क्या क्या अपना दुकान बेच देगा, क्या क्या बेच देगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रेलर। साथ ही में हमें अक्षय कुमार की कॉमेडी देखने मिल रही है, हिमेश रेशमिया का बैकग्राउंड म्यूजिक देखने मिल रहा है, हिमेश रेशमिया का गाना देखने मिल रहा है, और साथ में आनंद एल राय सर की डायरेक्शन भी देखने मिल रही है। इस फिल्म में अगर हम लोग अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार जी हाँ एक भाई के रोल में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं, लग रहे हैं कि हाँ वो इन चारों बहनों के एक बड़े भाई है। एज का भी कोई फैक्टर नहीं लग रहा है क्योंकि वो चार बहनों से ऊपर है। साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया ह्यूमर लेकर आ रहे हैं वो। साथ में बात करेंगे भूमि पाडनेकर की, जो कि अक्षय कुमार की होने वाली पत्नी के रूप में दिखाई जाने वाली, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। जितना रोल उन्हें मिला है इस फिल्म में, जितना ट्रेलर में हमें देखने को मिला, तो काफ़ी डिसेंट लगी है। और उनकी जो चार बहनें हैं वो उन्होंने भी ठीक ठाक ही, तीन बहनों को उतना दिखाया नहीं गया कि उतनी ज़्यादा वो लोग मैच्योर है, एक बहन मैच्योर है, बाकी तीनों में लड़ाई झगड़े होते हैं अभी भी, तो उनकी शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है अक्षय कुमार, तो उन तीनों ने भी रोल अच्छा निभाया है। चौथी बड़ी बहन है वो थोड़ी समझदार लग रही है, वो उन्होंने अच्छा कैरेक्टर को पकड़ा है अपना, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। आनंद एल राय सर का डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छा होने वाला है, आई होप सो, क्योंकि पिछली कुछ फिल्में अक्षय कुमार की फ्लॉप गई हैं, जैसे कि बेल बॉटम हो गया, पृथ्वीराज भी फ्लॉप गया, तो आई होप कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करे और बहुत ही ज़्यादा कमाए बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि अक्षय कुमार की उतना कुछ वो कैरेक्टर में ढल नहीं रहे यार, उनको उनके एज से ऊपर का कैरेक्टर दिया जा रहा है या फिर अंडर का कैरेक्टर दिया जा रहा है, तो उनमें वो ढल नहीं रहे। आई होप ये मूवी बहुत ही अच्छा कमाए। ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।